जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैनियों, स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्पेशली SSGD 2024 के और 24 के भी फाइनल कट ऑफ को लेकर है। कई बच्चे जैसे कि SSC की फिजिकल कट ऑफ काफी हाई गई है। इसके बाद में मैंने देखा पिछले वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट देखे थे जिन बच्चों के 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर ज्यादा है, वो भी चिंतित है। चिंतित क्या कहते हैं, बोले सर फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें या SSGD अगली की तैयारी करें। देखिए, अगली की तैयारी तो करनी चाहिए आपको, जिनके भी जो अंक है वो कट ऑफ से कुछ ही ऊपर है। अगली SSC को आपको टारगेट करना है क्योंकि 27 अगस्त से अगली वैकेंसी आ रही है, लाड दो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप उसको भी गवा बैठो। अब मैं आपको बताता हूं कि फाइनल मेट जो मेरिट है आपकी वो कितनी ऊपर जा सकती है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कट ऑफ जो फिजिकल की इतनी ऊपर चली गई है, जिस बच्चे के यहां तक की 15 नंबर या 20 नंबर भी ज्यादा है वो भी कॉन्फिडेंस में नहीं है कि मेरा इस बार सिलेक्शन होगा। अब कई कई तो ये हाल हो रहा है कि मुझे इस पर, आपने देखा भी होगा कई वीडियो, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके 160 से भी ऊपर कट ऑफ चली गई है, यानी 160 नंबर का पेपर था, अगर उनका नॉर्मलाइजेशन का स्कोर देखे तो 167 165 166 इतने नंबर चले गए हैं, इतनी कट ऑफ जाएगी तो कैसे सिलेक्शन होगा, ये आपके मन में आ रहा होगा। देखिए, मैं पहले भी बताया था कि SSGD कोई हलवा नहीं है कि जीभ निकाले और चाट लिए। अब इसमें सारे के सारे साइंस मैथ वाले बच्चे भी कंपटीशन में भाग लेंगे और इसकी मेरिट अब आसमान छुएगी छुएगी, क्योंकि जब से अग्निवीर लागू हुई है साइंस मैथ वाले बच्चे अब नेवी एयरफोर्स की बजाय SSGD को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट नौकरी है। आर्ट्स वालों बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस कंपटीशन को फाइट करना, और यही कारण है इस मेरिट का इतना ऊपर जाना, क्योंकि SSGD में आपको पता है मेरिट बनाती है मैथ और रीजनिंग, और इन बच्चों की ये अच्छी होती है, यही मुख्य रीजन है। तो अब जिन बच्चों के बहुत टॉप नंबर है वो भी अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे कि सर कितनी ऊपर चली जाएगी। देखिए, आपको कुछ आइडिया देता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ सांत्वना मिले और आप अच्छे से फिजिकल की तैयारी कर पाए, ये मेरी एक कोशिश मात्र है। ध्यान रखना, इसमें यह नहीं कि 100% ये सही कट ऑफ ही होगी। आपको कुछ चीजें बताता हूं, जैसे SSF की जो लड़कियों की कट ऑफ गई है, अगर हम देखें SC कैटेगरी की 138, ST की 130, OBC की 144, EWS की 143, जनरल की 146 और जो एक्स सर्विसमैन है उसकी 62, तो सर ये और कितनी जा सकती है इसको लेकर भी आपके मन में होगा। मैं आपको बता दूं, SC ST इन दो कैटेगरी की अब से ऊपर 8 से 10 अंक तक बढ़ सकती है ये कट ऑफ SSF के लिए, 8 से 10 अंक तक बढ़ सकती है। अगर हम OBC की बात करें या EWS की बात करें तो 10 से 12 नंबर ऊपर बढ़ सकती है लड़कियों की। अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 160 टच कर सकती है लड़कियों की, इसमें कोई संदेह नहीं है। कई लड़कियां अभी भी मैंने देखी है जिनके 156 157 या 158 नंबर है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो इसका मतलब कैंडिडेट जरूर है, तो ये कट ऑफ जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम बात करें लड़कों की ऐसी कैटेगरी की SSF की जो कट ऑफ है वो 148 है, ST की 143 है, OBC की 152 है, EWS की 151 है, जनरल की 153 है, तो सर ये कितनी जा सकती है, तो मैं ये बोलूं ये 160 से पार SSF के लिए, यानी SC ST में हो सकता है कि 158 या 157 पे नंबर आए, तो लगभग ये मान के चले 10 नंबर से 12 नंबर ऊपर। अगर हम OBC और जनरल की बात करें तो लगभग 160 से ऊपर या 160 6 से 7 तक 100% ग्रो करेगी, पोस्ट ऑफ वैकेंसी बहुत कम है SSF में, आप सबको पता है। तो और जनरल कैटेगरी की 160 प्लस ही जाने की उम्मीद है, 160 में से जिसके 160 है वही सोचना भाई SSF, उसके अलावा कोई चांस नहीं है और ना ही दूर दूर तक कोई चांस इसके नजर आ रहे हैं। भाई समझ गए बात को। अब हम बात कर लें अदर स्टेट के, सभी स्टेट की जितने भी है आपने देखा होगा स्टेट वाइज आपने कट ऑफ, वैसे ये नोटिस जिस दिन आया था उसी दिन मैंने डाल दी थी। अगर हम स्टेट वाइज इनकी कट ऑफ देखें जो अभी प्रेजेंट टाइम में गई है उससे कितने कितने अंक ऊपर जा सकती है फाइनल कट ऑफ। देखिए, कट ऑफ अभी दो पार्ट में आएगी, दो पार्ट में कौन कौन से आप सबने देखा होगा कि अभी फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं लगभग 7 गुना 7.5 गुना के आसपास, 7.5 गुना के आसपास किसमें क्वालिफाई हुए फिजिकल के लिए। अब यहां से फिजिकल जो पास होंगे ना वो 6 गुना के आसपास बच्चे पास हो जाएंगे, 1.5 गुना तो फेल या अनुपस्थित हो जाएंगे। इन 6 गुना में से मात्र 2.5 गुना बच्चे ही क्वालिफाई होंगे किसके लिए, मेडिकल के लिए। लगभग 2.5 गुना बच्चों का SSC मेडिकल करती है, यानी कम कितने करने हैं लगभग 3.5 गुना, यानी 50% के आसपास कम करने। मैं आपको बताऊं जो मेडिकल की आपकी कट ऑफ है वो बहुत कम बढ़ने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, मेडिकल की जो कट ऑफ है वो बहुत कम बढ़ने के चांसेस रहेंगे। यानी औसतन अगर हम देखें ओवरऑल
अगर जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि 4 से 6 अंक बढ़ जाए। वो बड़े बड़े स्टेट की बात कर रहा हूं, जैसे जिन स्टेट की मैं बात कर रहा हूं उनमें राजस्थान ले सकते हैं, यूपी ले सकते हैं, हरियाणा ले सकते हैं, मध्य प्रदेश ले सकते हैं, दिल्ली ले सकते हैं, ये जो स्टेट है। इनके अलावा और भी जो जिन स्टेट की जो कट ऑफ ऊपर जाती है, जैसे बिहार ले सकते हैं आप, उत्तराखंड ले सकते हैं, हिमाचल प्रदेश ले सकते हैं, यहां के कट ऑफ अब 6+ अंक बढ़ सकती है मेडिकल के लिए। अभी भी 6+ अंक बढ़ सकती है मेडिकल के लिए, जहां तक मुझे नजर आ रहा है। देखना आप जब रिजल्ट आएगा तब भी आप ये पाओगे 6 के आसपास अंक, यानी हो सकता है कि एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की 4 अंक 5 अंक बढ़े, लेकिन जनरल कैटेगरी और ओबीसी के चांसेस रहेंगे कि 6 अंक तक अभी मेडिकल की कट ऑफ पड़े। और मेडिकल के बाद में फिर धीरे धीरे एक एक नंबर पर बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाएगा। तो आगे मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइनल कट ऑफ है ओवरऑल, मेरा अनुमान यह कहता है कि इस बार जो पेपर का लेवल देखें या जो फिजिकली कट ऑफ देखें उसके आधार पर अगर मैं इन स्टेटों की बात करूं, जैसे जिन स्टेट की मैं बात कर रहा हूं उसमें बिहार आप ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ का जनरल एरिया ले सकते हैं, दिल्ली पूरा ले सकते हैं, हिमाचल प्रदेश आप पूरा ले सकते हैं, जिन स्टेट की मैं पहले बात करूंगा उसमें झारखंड का जनरल एरिया ले सकते हैं और मध्य प्रदेश पूरा ले सकते हैं, मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र आप ले सकते हैं, मेघालय मणिपुर मिजोरम छोड़ सकते हैं, पंजाब को छोड़ सकते हैं, राजस्थान स्पेशली ले सकते हैं, और राजस्थान के अलावा आप अगर देखिए नीचे तो उत्तर प्रदेश आप ले सकते हैं। जिन स्टेट पे भी मैं जो कमेंट करने जा रहा हूं वो उसके लिए मैं आपको बात बोल रहा हूं, जिन स्टेट के मैंने नाम लिए इन स्टेट से पूरे पूरे चांस है कि आपकी जो अगली मेरिट है फाइनल मेरिट है 10 अंक तक बढ़ेगी। कितने अंक तक? अगर आपके जैसे 138 पे कट ऑफ गई है तो आप 148 के आसपास है तब आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं, उससे नीचे चांसेस बहुत कम है। लेकिन एसएससी की पोस्ट ऑफ वैकेंसी अगर बढ़ गई, क्योंकि तो बढ़ सकती है, पूरे पूरे चांस है कि पोस्ट ऑफ वैकेंसी बढ़े, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपकी 6-7 अंक पे ही जाके रुक जाए। इसलिए फिजिकल की तैयारी आपको करना, अगर आपके 7 अंक भी ज्यादा है, अगर आपके 6 अंक भी ज्यादा है, अगर आपके 4 अंक भी ज्यादा है, तो आपको फिजिकल के लिए जी जान लगा के तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी समय एसएससी अपनी पोस्ट ऑफ वैकेंसी इंक्रीज कर देती है। अगर एसएससी पोस्ट ऑफ वैकेंसी इंक्रीज कर दी है इसका मतलब फाइनल मेरिट नीचे हो जाएगी, मेडिकल कट ऑफ भी नीचे हो जाएगी, और एसएससी में ऐसा भी होता है दोबारा लिस्ट भी जारी होती है मेडिकल के लिए। आपने देखा होगा एसएससी 2021 में क्या हुआ था, पहले एक लिस्ट जारी हुई, उसे क्या हुआ पोस्ट ऑफ वैकेंसी फिल ही नहीं हो रही थी, फिर एक और 40,000 बच्चों की लिस्ट जारी हुई, 20,000 की 2 लिस्टें जारी हुई। तो हो सकता है वो किसी भी भर्ती में कभी भी हो सकता है, इसलिए कभी भी इस कॉन्फिडेंस में मत रहना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे तो 4 नंबर ही ज्यादा है, मेरे 6 नंबर भी ज्यादा है। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि कई स्टेट जैसे इसके अलावा भी असम हो गया या इन स्टेट से भी अंक बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं जो जितने बच्चे भी फिजिकल के लिए अकेडमी में आ रहे हैं वो सब कोई मेरे को बता रहा है मेरे 16 नंबर ज्यादा है, मेरे 11 नंबर ज्यादा है, मेरे 12 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से। यानी कई कई बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में 14-14 अंक मिले, 15-15, 16-16, 11-11, 12-12 अंक कट ऑफ में मिले, इसमें नॉर्मलाइजेशन में मिले। तो इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन बहुत जबरदस्त हुआ, जिन बच्चों को मिले बहुत अच्छे अंक मिले, और कईयों को मिला ही नहीं है बिल्कुल भी, 1 अंक 2 अंक ही मिले। तो नॉर्मलाइजेशन इतना बड़ा मिलने के कारण या पेपर का आसान होना, फिजिकल कट ऑफ इतना जाना मुझे दूर दूर से नजर आ रहा है, जितना आज से कि मैंने एसएससी की भर्तियां देखी उस हिसाब से अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो मुझे लगता है कि 10 अंक तक जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरियों की मेरिट फाइनल मेरिट तक जब तक जाएगी 9 अंक 10 अंक 8 अंक 9 अंक 10 अंक, यानी इन स्टेट से फर्क डाल देगी। अब रही बात जो नक्सल एरिया है, बॉर्डर एरिया है, इनकी कट ऑफ तो वो कम जाएगी, लेकिन इनमें भी आप देखना अगर आप बंगाल का पिछली बार का देखोगे या पिछले बार का फाइनल रिजल्ट जब देखोगे तो फिजिकल से काफी ऊपर था, तो फिजिकल की कट ऑफ से अभी भी ऊपर जाने के चांसेस है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि आपका सिलेक्शन हो गया है, अगर आपके 10 अंक ज्यादा है, आपके 8 अंक 9 अंक 12 अंक ज्यादा, आप तैयारी में लगे रहिए एसएससीडी की अगली भर्ती में, कट ऑफ तो ऊपर जाने के इस बार चांसेस पूरे के पूरे है भाई, फाइनल कट ऑफ ऊपर जाएगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत।